भगवान का भक्त वो नहीं जो केवल माला भजे, भगवान का भक्त वो नहीं जो केवल ग्रंथ का पाठ करे, भगवान का भक्त वो नहीं जो नित्य मंदिर जाए, मात्र मंदिर जाए, भगवान का भक्त वो नहीं जो आंख बंद करके ध्यान करने बैठ जाए। माने हम ये नहीं करें, ये नहीं है। भगवान का भक्त वो है जिसको स्वप्न में भी किसी भी परिस्थिति में अपने प्रभु पर, अपने प्रभु की कृपा पर संदेह ना आए। भगवान का भक्त होने का तात्पर्य क्या है? वस्तुतः जो मूल भाव है, परिस्थितियां चाहे जैसी हों, उसके ऊपर से विश्वास न डिगने पाए, उसकी सामर्थ्य पर आपको संशय ना होने पाए, भगवान के ऊपर आपको शिकायत ना आए, तो आप भगवान के भक्त हैं। और जो भगवान से शिकायत लेकर के बैठ गया है, समझ लेना वो मतलबी व्यक्ति है। जब तक काम ठीक ठीक है तब तक प्रशंसा है, और काम थोड़ा गड़बड़ाया तो गरियाएगा। और आजकल के भक्त तो गीत कम गाते हैं, भगवान को गरियाते ज्यादा हैं। अभी कोई हमारा प्रिय चल बसे तो कितना भगवान को सब कहते, अरे विधाता, अरे 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 भगवान कितना निष्ठुर है। भगवान का सच्चा भक्त वो जिसको परिस्थितियां चाहे जो हो, स्वप्न में भी जिसके चित्त में भगवान के प्रति अश्रद्धा ना हो, भगवान के प्रति संशय ना हो, भगवान के प्रति उसके मन में कोई शिकायत का भाव ना हो। और जिसके मन में शिकायत का भाव आ जाता है, जिसकी वाणी पर शिकायत के शब्द आ जाते हैं, जिसके मन में भगवान के प्रति संदेह हो जाता है, श्रद्धा नहीं रहती, भैया वो भक्त नहीं है, वो तो मतलबी है, स्वार्थी है। प्रहलाद जी महाराज से सीखना है तो यही सीखिए। पानी में डुबाए जा रहे हैं, शस्त्रों से काटने की चेष्टा की जा रही, नागों से डसवाए जा रहे हैं, अग्नि में जलाए जा रहे हैं, पर्वतों से फेंके जा रहे हैं, सब काम, परंतु एक पल भी प्रहलाद जी महाराज के चित्त में ये भाव नहीं आया कि मैं तो भगवान का नाम लेता हूं फिर भी मेरे जीवन में इतना संकट काहे आता है, मैं तो इतना धर्मात्मा हूं तभी मेरे जीवन में इतना क्लेश क्यों होता है, कितना मेरा मुश्किल होता है, ये दुख आते हैं ना, ये प्रतिकूलता आती है, ये मनुष्य के धैर्य की परीक्षा के लिए आती है, धर्मनिष्ठा की परीक्षा के लिए आती है। भगवान हिला हिला करके देखता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, हर हर।